नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मित्र, आप देख रहे हैं डेटा डॉग। आज के टॉप 5 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉप 5 न्यूज स्टार्ट करेंगे ओप्पो और वीवो की खबर से। जैसे आपको पता है, मेक इन इंडिया प्रोसेस के दौरान बहुत सारे ऐसे विदेशी कंपनी है जो इंडिया में इन्वेस्ट किया है और इंडिया में अपना ब्रांच खोला, लाइक Xiaomi ने खोला है, उसका एक दो ब्रांच ऑलरेडी खोल चुका है। वैसे ही ओप्पो और वीवो ऐसा दो कंपनी है। डेफिनेटली आपको पता है, दोनों ही कंपनी बहुत अच्छा फोन बनाती है और काफी एक्सपेंसिव फोन बनाती है। कम दाम का फोन तो डेफिनेटली लोग उतना नहीं बनाती है। जो भी फोन बनाती है अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ बनाती है। तो ये लोग लगभग 2,000 करोड़ रुपए आपका खर्चा करेंगे, मतलब ईच कंपनी 2,000 करोड़ पे, मतलब आपका टोटल होता है 4,000 करोड़ रुपीस इंडिया में आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना नया सेटअप के लिए। अगर ओप्पो के बारे में बोला जाए, वो ऑफिशियली 1,000 करोड़ रुपए ऑफिशियली वो लोग इन्वेस्ट करेंगे अपने कंपनी से, और बाकी जो 1,000 करोड़ डेफिनेटली वो लोग वेंडर से कलेक्ट करके वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जिसका प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जहां तक वीवो का सवाल है, वीवो का आपका थोड़ा लैंड लेके थोड़ा इशू चल रहा है, तो लैंड इशू आई थिंक बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ही वो लोग अपना जो फैक्ट्री सेटअप का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी स्टार्ट कर देंगे, और ये बेसिकली होने वाला है आपका ग्रेटर नोएडा के साइड में। अगर उसके साथ साथ ओप्पो ने और एक चीज कर रहा है, विच इज दे आर बिल्डिंग ए टाउनशिप विच कैन अकोमोडेट अप्रोक्सीमेटली 30,000 पीपल। तो नॉर्मली सूत्रों से पता चला, ये जो टाउनशिप वाला बना है नॉर्मली फॉर द एम्प्लॉयज ऑफ देयर कंपनी, 30,000 एम्प्लॉय। मतलब आप सोच सकते हो, नॉट ओनली दैट दे आर मेकिंग अ कंपनी इन इंडिया, उससे इंडिया में आपका जो लाइक वैकेंसीज क्रिएट होंगे, बहुत ज्यादा वैकेंसीज क्रिएट होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, विच इज ए वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट आपके इन्फॉर्म है वीडियोकॉन की तरफ से। वीडियोकॉन ने एक नया फोन लॉन्च किया, विच इज अल्ट्रा 50, इट इज ए 4G LTE फोन, और वो लोग बोलते हैं दिस इज देयर फ्लैगशिप फोन। प्राइस आपका 8,990 रुपीज, विच इज नॉट ए फ्लैगशिप फोन प्राइस। ऑल दो अगर स्पेसिफिकेशन देखा जाए, इसमें आपको मिलेगा 5 इंच का HD IPS डिस्प्ले विच सपोर्ट मीरा विशन, जैसे मेरे पास आपका इंटेक्स Aqua 5.0 VR, इसमें भी आपका मीरा विशन है, जिससे आप डिस्प्ले का कलर टोन बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। 1.3 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर, 3 GB RAM है, विच इज ए गुड थिंग, 32 GB ROM, कैन बी एक्सपेंड अप टू 64 GB। एंड्रॉयड आपका मार्शमैलो पे चल रहा है, विच इज एंड्रॉयड 6, 3000 mAh का बैटरी है, 5 MP का आपका सेल्फी कैमरा है, 13 MP का आपका रियर कैमरा, बोथ द कैमरा हैविंग ए फ्लैश। रियर कैमरा में आई थिंक डुअल LED फ्लैश है, फ्रंट पे आपका सिंगल LED फ्लैश है। नेक्स्ट आपके इन्फॉर्मेशन है आपका गूगल पिक्सल का। जैसे आपको पता है, या फिर बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे, गूगल पिक्सल का प्राइस उन लोगों को बहुत ज्यादा लगा, आई थिंक इतना प्राइस नहीं होना चाहिए। इंडिया में लगभग स्टार्टिंग रेंज उनका है 67-68,000 इसके आसपास, तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है एग्जैक्टली इतना प्राइस क्यों है, और वो मेन मुद्दा है आपका जो मेन वो लोग प्राइस बढ़ा है वो ओनली फॉर द रीजन इज iPhone 7 से टक्कर देने के लिए थोड़ा बहुत उनका प्राइसिंग में हाई, इतना हाई प्राइस में वो लोग लॉन्च किया, मुझे थोड़ा अजीब लगा। आई थिंक अगर टक्कर देना तो डेफिनेटली उनके कम रेंज में आप लॉन्च करो, ज्यादा या फिर सेम रेंज में लॉन्च करके क्या फायदा। अकॉर्डिंग टू IHS एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू IHS मार्केट, ये एक आपका सोर्स है जहां से इन्फॉर्मेशन मिला है, पिक्सल स्मार्टफोन जो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है विच इज अप्रॉक्सिमेटली $285.75 विच इज अराउंड 19,100 रुपीज। इसमें अगर डिवाइड किया जाए $278 आपका लगता है आपका लाइक मटेरियल कॉस्ट विच इज अप्रॉक्सिमेटली 18,584 रुपीज, और आपका जो उनका प्रोसेसिंग चार्ज होता है कुछ कन्वेक्शन कॉस्ट उनका पड़ता है वो लगभग आपका $7.75 विच इज नियर अबाउट 519-20 रुपीज ऐसा कुछ पड़ता है। और बाहर नॉर्मली ये फोन आपका सोल्ड हो रहा है एट द प्राइस ऑफ 769 रुपीज विच इज अप्रॉक्सिमेटली लाइक 51,400 रुपीज। और गूगल अगर देखा जाए, एक फोन पे प्रॉफिट मार्जिन है उनका लगभग $483 एक फोन में उनका मार्जिन है विच इज नियर अबाउट 32,300 रुपीज। इंडिया में हालांकि इससे भी ज्यादा प्राइस में सोल्ड आउट हो रहा है विच इज अप्रॉक्सिमेटली एज आई सेड 67,000 रुपीज विच इज नियर बाई $1,000। पता नहीं इंडिया में ऐसा क्यों है, गरीब का कोई इज्जत नहीं है, हम लोगों को ऐसे ही लोग देते रहते हैं और हम लोग खरीदते भी रहते हैं। ऑल दो जितना आप लोग सोच से पता चला, आपका गूगल पिक्सल का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, सो इंडिया में तो डेफिनेटली उतना अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ द प्राइस। नो डाउट फोन बहुत अच्छा है बट बिकॉज ऑफ द प्राइस इज टू प्राइसी। नेक्स्ट आपके इन्फॉर्मेशन इंटेक्स की तरफ से। इंटेक्स अपना टोटल 4 आपका न्यू स्मार्ट LED TV लॉन्च किया है
अगर देखा जाए उसका प्राइसिंग ने स्टार्ट होता है लगभग 28,000 से। 32 इंच का जो प्राइस है उसका है 27,999 रुपए। 43 इंच का प्राइस है 47,999 रुपीस। 50 इंच का आपका प्राइस है 54,999 रुपीस। और आपका 55 इंच का प्राइस है 89,990 रुपीस। ऑल आर स्मार्ट एलईडी टीवीज विच इज गुड। सो आप लोग अगर ढूंढ रहे हैं डेफिनेटली यू कैन हैव ए चेक ऑन दैट। नेक्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन है बीएसएनएल की तरफ से। जैसे आपको पता है बीएसएनएल बहुत ही सोशल कामों में बहुत वो लोग उन लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है सोशल कामों में। आपका अगर जैसे कॉर्पोरेट वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं विच इज CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वैसे ही है। BSNL इज प्लानिंग टू इंस्टॉल और ऑलरेडी प्रपोज टू इंस्टॉल 10,000 वाईफाई हॉटस्पॉट अराउंड केरला। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है या फिर कॉलेजेस है वहां पर लगभग 10,000 आपका वाईफाई हॉटस्पॉट होगा टू द टीचर्स टू द फॉर द स्टूडेंट्स डेफिनेटली फॉर एवरीथिंग। तो विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। इसका ऑलरेडी प्रोसेस चालू हो गया तो बहुत ही जल्दी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो साउंड्स प्रीटी गुड। पहले कोलकाता में जैसे आपको पता है आपको रिलायंस ने किया था 4G, अभी BSNL भी ऐसा इनिशिएटिव लेके सब कुछ स्टार्ट कर रहा है विच इज़ अ गुड थिंग। सो अपार्ट फ्रॉम योर रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स यू विल गेट वाईफाई कनेक्टिविटी इन स्कूल एंड कॉलेजेस ऑल्सो विच इज अनदर वेरी गुड थिंग। सो ये था आपका टॉप 5 टेक न्यूज ऑफ द डे। सो इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू डेटा फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट। यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर ऑल्सो विच इज twitter.com/data15 और यू कैन लाइक अवर फेसबुक पेज ऑल्सो विच इज facebook.com/data. सो अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा रॉ। होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। वेट एक चीज बताना मैं भूल गया। इस महीने के स्टार्टिंग में मेरा जो चैनल है वो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया था आई थिंक ऑन 4th of September एस जितना मुझे याद है। तो आज मैंने चेक किया इट्स फाइनली कंप्लीटेड 1500, मतलब विद इन द मैटर ऑफ 20-25 डेज आई कवर 500 सब्सक्राइबर विच इज ए वेरी गुड थिंग और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो थैंक्स टू यू गाइज, बिकॉज ऑफ यू इट ओनली हैपन्स, क्योंकि आप लोगों के बिना डेफिनेटली ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि अल्टीमेटली यू गाइज सब्सक्राइब माई चैनल। सो डेफिनेटली स्टे ट्यून टू माई चैनल क्योंकि मैं ऐसी नए नए वीडियोज बहुत लाता रहूंगा। और कमिंग वीडियो अगर बोला जाए डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिव्यू Zolo Era 2 ऑल्सो विच इज रिलीजिंग टुमारो विच इज लॉन्चिंग टुमारो एक्सक्लूसिवली ऑन स्नैपडील। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो अभी तक के लिए दिस इज योर होस्ट अमित साइनिंग ऑफ फ्रॉम डेटा रॉ। होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।